हेलो दोस्तों, तो आज है संडे और हम लोग रात में डिनर विनर करके सब थोड़ा बहुत वॉक वॉक करके सब सो गए थे, बहुत थके हुए थे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, हम लोग उठ के थोड़ा सा निकले हैं क्योंकि हमें आज पेंट बॉल भी खेलना है। तो उसके लिए अभी हम बोल के आ चुके उनको, अभी आधा घंटा लगेगा फिर हम जाएंगे पेंट बॉल खेलेंगे। तब तक के लिए हम बस वॉक कर रहे थे क्योंकि मौसम भी आज बहुत अच्छा है। आओ चलो आपको भी लेके चलते हैं वॉक पे और दिखाते हैं इनके पास और क्या क्या चीज़ें करने को। तो ये है इनका एडवेंचर पार्क जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंब करने वाला, क्लाइम करने के लिए। उधर भी है कुछ टायर वाले एक्टिविटीज। यार ये एक्टिविटीज तुमने करी नहीं, आज करेंगे क्या पेंट बॉल खेलने के बाद? अभी थोड़ी ना करना। चढ़े परसों चढ़े थे और तुम लोग चढ़े थे ना, तुम लोग चढ़े थे ना। इधर और भी सारी बहुत कुछ है। वो है हमारा पेंट बॉल वाला एरिया, आपको यहाँ से अगर दिख रहा हो तो। काफी सुंदर ग्रीनरी ग्रीनरी है हर तरफ। गिरना मत बस। अटक गई मैं अटक गई, मुझे उतारो। ये है इनका फैमिली कॉटेज, आप ये भी बुक करा सकते हो। इनके पास हट में भी है, हट में भी आप रुक सकते हो इनके। और यहाँ पे है ये मैरिज हॉल टाइप फंक्शन, आप कोई भी फंक्शन भी यहाँ कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ, काफ़ी बड़ा है ये रिजॉर्ट, काफ़ी सुंदर भी है, हमें तो बहुत पसंद आया। जयेश ने अपनी बैचलरेट यहीं पे करी थी तो अब शादी के बाद हम लोग भी यहाँ पहुँच गए। ये हैं हमारे रूम्स जहाँ पे हम रुके हैं और ये हैं इनके हट वाले रूम्स, ये भी आप बुक करा सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी बैचलरेट वाली जगह पे दोबारा आकर के? नॉट बैचलर सिटी। ये हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं धीरे धीरे और इधर हो रही है पेंट बॉल की तैयारी। चलो जी, सबको आ जाने देते हैं फिर तैयार होते हैं। ये ड्रेसेस और क्या है, ये मास्क है, ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस क्योंकि मैंने सुना है बहुत तेज चपकती है जब बॉल पड़ती है शरीर पे तो। और ये है हमारा प्ले ग्राउंड एरिया, पेंट बॉल का सेटअप। चलो पहनो। नहीं नहीं तुमको तो पहले पहले मैं भाई फिर मैं इसमें तो मैं ढक जाऊंगी इतना बड़ा है। यही ऑप्शन है। ओहो ये देखो टंगे, ये तो यार गर्मी लग जाएगी। एक बार सबको आ जाने दो फिर पहनते हैं, पहन के अभी घूमूंगी तो गर्मी लग जाएगी ना। और ये क्या है? ये गार्ड है। गार्ड है, अच्छा। बच पाऊंगी मैं इन सब चीजों से? कोई बिना गैस वाली है क्या अभी? एक बारी गन ये पकड़ो, ये लो, ये मारा किसका है? नहीं ये मुझे निकालो। ऊपर क्या वही तुम्हें एक बार बताओ, 50-50 वाला करना है पूरा? 50 गोली मतलब वर्दी अपनी, 30 गोली कर लो, 40 गोली कर लो। अच्छा ये नहीं है। और 30-40 वाले में बस कुछ नहीं है, 50 ही है। 50 आदमी को समझ नहीं, आदमी ने खुद ब्लू पहन रखा है। चीटिंग करवा दे। मिन्नू आ गई है क्या, तुम जल्दी उठ गई?
साइन करना है इसको लिख के। हां ठीक है, साइन टू साइन डेट रूम नंबर देखो। प्राइम में लिटाया कि ले आए था तो, पर लेकिन वो उठ गई। बद्दी अरे नींद आ रही से। दादी इधर से देखो, अभी अब मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगा अभी नींद में हूँ। एक टीम इधर आएगी, एक टीम इधर, कोई भी इधर से आएगा फ्लैग लेने के लिए तो ये अपोजिट टीम वाले उनको आउट करेंगे। अगर जिसको भी जहाँ भी गोली लग जाती है वो गेम से एक मिनट के लिए बाहर, कहीं भी गोली लग जाए एक मिनट से फिर जा सकते दोबारा। हाँ, दोबारा जा सकते हैं। और जो इधर से आएगा फ्लैग लेने तो बिना गोली लगे हुए फ्लैग को अपने टीम में ले जाना है, इसे तब पॉइंट होगा। अगर गोली लग जाती है तो फ्लैग फिर वापस के, जैसे डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से वहाँ तक 20 फीट, क्लोज में जाके मारने से तेज चोट लगती है, इसलिए कम से कम दूरी से दूरी होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दौड़ के गए एकदम क्लोज में जाके मार दिए तो चोट लगेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है जब तक गेम चलेगा आपको मास्क दिया जा रहा है, मास्क नहीं हटाना है। शरीर में कहीं भी लगेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन आँख बहुत सॉफ्ट है, कहीं अगर किसी का कलर लग गया दिखाई नहीं देता तो ये नहीं कि हटा दिया, जैसे हटाएंगे कहीं से गोली आके लग सकती है, इसका ध्यान रखना। इसीलिए हम साइन कराते हैं इस रूल को फॉलो करना है। जिसको लग जाएगी अपने आप बाहर आ जाएगी, जिसको लग गई उसकी किस्मत, हम नहीं बता पाएंगे, तो आपको अपने आप निकलना है। चलो जी। हाय सर, रियल में काउंटर स्ट्राइक खेलने जा रहे हैं, तुम्हारे ब्लॉग भी बन रहा है, सब लोग लाइन में खड़े हो जाए, मैं फोटो खींच देती हूँ। गैस के प्रेशर से चलती है, 50 गोली है, एक बार दबाएंगे तो एक गोली निकलेगी, जल्दी जल्दी दबाएंगे तो जल्दी जल्दी निकलेगी, ठीक है। तो गोलियां जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर डाउट होता है कि 50 थी कि नहीं थी, इसलिए हम सामने डालते हैं। इसमें 50 गोली है, चलेगी कैसे, निशाना कैसे लगेगा, ये खांचा बना हुआ है और ये पॉइंट है, और जिसको मारना है तीनों एक साथ मिलाना है। अभी लॉक है, नहीं चल रही है, चलना चाहिए नहीं चल रही, तो इसमें एक सेफ्टी पिन है, इसको हम पीछे से पुश करेंगे, जैसे रेड आ गया आप जैसे दबाएंगे तो चल जाएगी। जब आपको गन दे देंगे तो सबका मास्क होना चाहिए, क्योंकि गन दे दिया और मास्क नहीं है तो आपको जब देंगे तो आप ज़रूर इधर उधर करेंगे, तो किसी को लग सकता है, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान देना है। अब इससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, अब ड्रम पर देखते हैं। ओ भाई, तेरी दूर से मारोगे तुम्हें नहीं लगेगी, बहुत ज्यादा तेज नहीं लगती, क्या हो गया, हम मार पाएंगे? नहीं भाई, चलिए आप मास्क पहनिए और गन लीजिए, ठीक है, चलिए चलिए, सेफ्टी लॉक का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और फोटो खिंचवाइए। आजादी 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 आजादी। छोड़ दो इसे, बेटे एक मिनट के लिए ही बाहर हूँ, पूरे गेम के लिए बाहर नहीं हूँ, आ भी जाऊंगा एक मिनट बाद। सेफ जोन। कौन है ये सेफ जोन में छुट्टी? हाँ। ठीक है ठीक है, अब आप कवर दो, रेड टीम कवर, झंडा उठा दी, गोलियों की बरसात होगी। अच्छा,
सेव जोन फ्लैग उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब सेव जोन से बाहर निकलेंगे तब तब होगी। यह कि एक ही को टारगेट करना है बस, आप कवर दो ना उनको। उसे देखना बाबू को, कमान 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 कमान, वो गन ही लेके नहीं आया। सही करा ना, सेफ जोन में जरूरी क्या गन की, जब उठाए तो मुझे बता दियो। जैकी आउट मैम, आपको पहले लग गई थी। हेलो गाइस, सो पेनबॉल में बहुत ही बुरी तरीके से हार जाने के बाद हम लोग तैयार हो चुके हैं, हमारा चेकआउट का टाइम हो चुका है और यहाँ पे सारे बॉयज़ मिल कर के थोड़ा कार को इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें एक वीडियो बनानी है, एक रील बनानी है, तो इनका ये गेम हो जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे। देखो गाइस कितनी मेहनत हो रही है रील के लिए। देख लो नहीं तो पासवर्ड वो कर दो। कोई नहीं, पहले चलो थोड़ा ऊपर कर ले आप। अब अभी प्लान हो रहा है यहाँ से निकल करके, एक पास में कोई हनुमान मंदिर है वहाँ जाने का प्लान हो रहा है, इसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो आज वैसे भी संडे है, हमें कोई जल्दी नहीं है, सब कुछ आराम आराम से हो रहा है। बाकी मज़ा बहुत आया, अगर आपको भी ऐसा कोई स्टेकेशन करना हो तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। काफ़ी सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, बस थोड़ा मौसम देख के आना। हमारे टाइम पे तो लकीली थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो गया था, देखो अभी भी कितनी बढ़िया हवा चल रही है। बाकी तो सब चंगा है, सब बढ़िया है। दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए हैं वैष्णो ढाबा पे लंच करने के लिए, क्योंकि इसके बाद अब डायरेक्ट हम निकलेंगे नोएडा। चलो खाते हैं। ये कब से हमारा चल रहा है?